और अच्छा से समझिए, हम जो है 100% गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं और पढ़ाएंगे भी कि आपको मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन समझाया जाएगा वो 100% समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा जो है वादा है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को जो है आगे के ओर लेके बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप नए हैं तो आप पिछले वाले वीडियो जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना जरूरी है, तो इसको एक बार पढ़िए। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हम लोग को काम का करना है HCF और LCM ज्ञात करना है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का, यानी क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो देख लीजिए यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि पेज थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं छोटे के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करके ये ऐसे छोटा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि हम लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसको कर दीजिए थोड़ा सा ऊपर, और इसका हम लोग करेंगे अब सॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हल कर रहे हैं, 26/91 जो दिया है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ हल करके लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं कि 26/91 क्या चीज़, 26/91। तो 26 यानी लिख लेते हैं 26, और इसका गुणनखंड निकालेंगे, और फिर इधर लिख लेते हैं 91 का भी गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से निकलेगा 13 दूना 26, अब इसके बाद 13 13 से ही कट सकता है, तो 13 एकम 13 भी लिख सकते हैं, पर वो बच्चा वाला काम नहीं करना है हम लोग को। फिर यहाँ पे हम लोग 91, तो 7 से अगर करते हैं तो 13 7 13 यानी 91 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आ गया, ये भी। अब इन दोनों का गुणनफल को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड को 26 बराबर क्या है 2, ये वाला 2, और फिर गुणा में क्या है 13, तो 13 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे है आपका 7, तो यहाँ लिख देंगे 91 बराबर 7, अगुणे क्या है 13। अब देखिए हम लोग तो HCF ज्ञात कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13 13 जो है HCF कैसे निकालते हैं, HCF दोनों में सेम अंक मिलना चाहिए, तो 13 ऊपर वाला में भी है 13 नीचे वाला में भी है, तो इसलिए हम लोग 13 HCF यानी मौसो, तो हमारा मौसो बराबर क्या आ गया 13, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मौसो बराबर क्या है आपका 13, मौसो बराबर 13 आ गया। अब निकालना है हम लोग को ल/सो यानी लघुत्तम समवर्तक, तो लसा निकालने के लिए इन 13 में से एक कोई 13 लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 13, और गुणा में क्या है 2, तो 2 भी लिख लेंगे, और गुणा में है आपका कितना 7, तो 7 भी लिख लेंगे। अब इसका जब टोटल गुणा करेंगे हम लोग, तो हम लोग का आ जाएगा 182, कितना आ गया 182। अब जो है यहाँ तक तो आपको, अब जो है दूसरा कहानी यहाँ से होता है शुरू। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, तो एक संख्या है आपका 26, यानी इसको आप इंग्लिश में N1 भी मान सकते हैं, चाहे नंबर 1, और ये जो है N2 भी आप मान सकते हैं, इंग्लिश में भी फॉर्मूला होता है और हिंदी में भी होता है। तो चलिए इस पेज को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से बनाना चालू करता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिख दीजिए फटाक से जो है दो संख्याओं का गुणनफल, इसको मैं कलर वाइट कर लेता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो बोल रहा है, मस गुणे लस, चाहे लस गुणे मस। तो जो आपके क्वेश्चन में दिया है वही लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे मस गुणे यानी एच सी एफ गुणे एल सी एम, एच सी एफ गुणे एल सी एम, तो हम लोग मस लस लिख सकते हैं। और चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग चलिए इंग्लिश में भी बता देता हूँ, एच सी, चलिए इसको पहले हिंदी में एक बार लिख देता हूँ और इसी को इंग्लिश में लिख दूंगा, मस मस गुणे लस, क्या चीज ल और स, ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसी को हम लोग को करना है क्या चीज यहाँ पे जो है इंग्लिश में, तो हम क्या बोले हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो एक एन वन होता है और गुणे एन टू होता है और बराबर मस को इंग्लिश में क्या कहते हैं एच सी एफ और गुणे एल सी एम, ठीक है एल सी एम, तो ये दोनों हो गया। अब इस दोनों को हम लोग को क्या करना है गुणा, तो एन वन क्या है, एन वन है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा 26, तो यहाँ लिख लेंगे 26 और गुणा है तो गुणा, एन टू क्या है 91, तो यहाँ लिख लेंगे 91 और बराबर, और यहाँ पे मस मस हमारा आया है 13, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13 और गुण लस आया है 182, तो यहाँ लिख लेंगे 182, ठीक है। ये हिंदी में फॉर्मूला है और ये आपको इंग्लिश में है। अब जो है यहाँ पे दोनों को जब हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो इधर जब गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 23.66 और इधर भी गुणा कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 23.66, ठीक है, तो ये दोनों आ रहा है। तो इसके साथ हम लोग को ध्यान देना है कि दोनों साइड जब बराबर आ गया तो हम लोग लिखेंगे इसलिए एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड हो गया कि दोनों साइड वैल्यू बराबर है। तो यही आपका हो गया आंसर। अब बताइए कमेंट करके कि आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जल्द कमेंट कीजिए। आपका जो है 100% दूसरे तरीका भी है बताने का, मुझे आशा है कि 100% आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना जी, क्या कुछ दिक्कत थोड़े है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, एक मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तो चलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो मेरा फिर आ रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर जो भी दिक्कत होगा 2 और 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर बना के आपको पर्सनल भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, आपका अपना व्हाट्सएप नंबर भी भेज देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।